खबर यूपी के शाहजहांपुर की है, जहां चार दिन पहले एक शराब कंपनी में करोड़ों की चोरी हुई थी। मामले को लेकर पुलिस ने इसका खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस की कई टीमों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 1,07,00,000 की नकदी भी बरामद की है। दरअसल चार दिन पहले शाहजहांपुर में एक शराब कंपनी कार्यालय से 1 करोड़ से ज्यादा की रकम पर चोरों ने हाथ साफ किया था। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि चोरी की इस घटना में ऑफिस में काम करने वाला एक व्यक्ति शामिल है, जिसने फिल्मी अंदाज में पूरे स्टाफ को दावत देकर उनके खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया था। बेहोश होने पर उसने मौका देखकर साथी की मदद से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं देर रात पुलिस ने चोर गैंग के मुख्य आरोपी राहुल मिश्रा सहित अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया। शाहजहांपुर से अमित सिंह की रिपोर्ट। ये इनमें से 4 लोग यहाँ पर वापस मौजूद हैं यहाँ, और जहाँ भी रुपए रखे होंगे वहाँ से इनका बंटवारा करने के लिए जाएंगे। इस थाना कोतवाली क्षेत्र में जो पोस्टमार्टम हाउसेस के बगल में पीछे, वहाँ उनकी लोकेशन मिली, उसी आधार पे SOG और इंस्पेक्टर कोतवाली और हमारे सर्विलांस की टीम जो लगातार कार्यरत थी, वो वहाँ उनके द्वारा गाड़ाबंदी की गई और उनके वहाँ पहुँचते ही पुलिस पार्टी को देखकर जो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस ने भी बहुत ही संयम और साहस का परिचय देते हुए आवश्यक कार्रवाई करते हुए वहां उनको गिरफ्तार